आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच भिड़ंत है। यह दोनों टीमें शाम 7:30 बजे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। यह मुकाबला कांटे की टक्कर वाला रहने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही टीमें बराबरी की नजर आ रही हैं। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में आरसीबी की टीम भारी है। आईपीएल 2023 में अब तक आरसीबी ने 2 मैच खेले हैं, वहीं लखनऊ ने 3 मैच खेले हैं। आरसीबी को उसके पहले मैच में एक तरफा जीत मिली और दूसरे में एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। उधर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने सीजन के 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में आज के मैच में लखनऊ की टीम जहां अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगी, वहीं बेंगलोर की टीम जीत की पटरी पर लौटने की पूरी कोशिश करेगी। दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी और तेज व स्पिन गेंदबाजी में बराबरी वाला संतुलन नजर आ रहा है। हालांकि टीम में ऑलराउंडर्स के मामले में आरसीबी थोड़ी आगे नजर आती है। आरसीबी में शहबाज अहमद, ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल जैसे ऑलराउंडर्स तो हैं, साथ ही वरिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल और कर्ण शर्मा जैसे गेंदबाज भी बल्ला घुमाना अच्छे से जानते हैं। उधर लखनऊ में कुणाल पांड्या, दीपक हुड्डा और काइल मेयर्स ऑलराउंडर की भूमिका में हैं। काइल मेयर्स और निकोलस पुरन तो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, साथ ही कुणाल पांड्या, आयुष बदौनी भी अच्छी लय में हैं। गेंदबाजी में इस टीम के पास मार्कवुड जैसा मैच जिताऊ गेंदबाज है, हालांकि उनका भी पिछला मैच बहुत बेहतरीन नहीं गया था। मार्कवुड के अलावा इस टीम में अन्य तेज गेंदबाज बेरंग रहे हैं। इस टीम का स्पिन विभाग रवि बिश्नोई और कुणाल पांड्या के साथ ठीक ठाक नजर आ रहा है। वहीं आरसीबी में विराट कोहली, डुप्लेसी और मैक्सवेल अच्छी लय में दिख रहे हैं। गेंदबाजी में डेविड विली भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि आरसीबी की टीम को रीस टॉपली के जाने से बड़ा झटका जरूर लगा है। वानिंदु हसरंगा की टीम में वापसी से टीम का स्पिन अटैक भी दमदार हो जाएगा। हालांकि मिडिल ऑर्डर में शहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक को पिछले सीजन की तरह रंग में आना बाकी है। वहीं तेज गेंदबाजी की बात करें तो हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज भी कुछ ज्यादा असरदार नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों ही टीमों में कुछ मजबूत पक्ष हैं और कुछ कमजोर कड़ियां भी हैं। ऐसे में आज के मुकाबले में कोई भी टीम बाजी मार सकती है। बता दें कि बेंगलुरु में होने वाले इस मुकाबले में खूब रन बरस सकते हैं, क्योंकि यहां की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल है और इस मैदान की बाउंड्रीज भी छोटी हैं।